तो भाई आज की वीडियो में DJI Ronin HC गिम्बल की बेस्ट सेटिंग करेंगे और ये सेटिंग करने के बाद हमारे गिम्बल के ऑल मोड्स को और भी सरल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग करने के लिए आपको अपने फोन में DJI Ronin ऐप को खोल लेना है और अपने गिम्बल से कनेक्ट कर लो। फिर उसके बाद हमको यूजर प्रोफाइल में जाना है। ये देखो इसमें दिया हुआ है M1, M2, M3। M1 मतलब मोड 1, मोड 2, मोड 3 और गिम्बल भी हमारा भी कनेक्ट है। तो M1 मोड में हमने ये जो बाय डिफॉल्ट आता है पेन एंड टिल्ड आता है, तो इसको मैंने पेन एंड टिल्ड ही रखा है। अगर हम लोगों को ये जो M1 में पेन एंड टिल्ड फॉलो मोड दिया हुआ है, अभी तो ये बढ़िया स्लो काम कर रहा है देखो। और इससे भी फास्ट हमको अगर यूज में लेना है तो इसके लिए स्पोर्ट्स मोड दिया होता है हमारे गिम्बल में। कई लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्पोर्ट मोड कैसे यूज करते हैं हम। ये जो एम बटन है इसको ऐसे दबा के रखो तो देखो पीली लाइट जल गई, तो ये स्पोर्ट मोड नाम से ही पता चल रहा है हमको। बहुत फास्ट मूवमेंट लेने के लिए है, देखो कितनी जल्दी नीचे ऊपर हो रहा है, साइड में हो रहा है। और ये बहुत ही काम का है हमारे, हमको जब भी कोई जल्दी से कोई सीन लेना होता है, दौड़ने वाला, भागने वाला, या कोई गाड़ी का, साइकिल का, स्पोर्ट्स का, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको दबा के रखो और जल्दी से कोई भी सीन शूट कर लो। ये एम बटन से ही चालू भी होता है, येलो लाइट जल जाती है, कैमरा मूवमेंट देखो फास्ट हो गया है। और इसको प्रेस करके रखते हैं जब तक काम करता है और छोड़ दो तो बंद हो जाता है ये। तो आप में से कितने लोगों को पता था ये मोड नीचे कमेंट में बताना ज़रूर। और हम लोगों को इस मोड का उपयोग ज़्यादा समय के लिए करना है तो ये मोड बटन को दबा के रखो, येलो लाइट जल रही है और ये सामने वाला टिगर है इसको दो बार दबा दो। ज़्यादा समय के लिए लॉक कर दिया हमने स्पोर्ट मोड को और ये चालू हो गया बढ़िया। तो इस मोड को हटाना है तो ये बटन फिर से प्रेस करके रखो और दो बार दबा दो, तो ये देखो ग्रीन लाइट जल जाती है। और इसी एम बटन के ऊपर फ्लैश लाइट मोड भी होता है, तो मैं आप लोगों को इसका यूज़ करके दिखाता हूँ फ्लैश लाइट मोड का। जिन भाइयों को भी रील्स बनाना होता है ना, तो उनके लिए एक सबसे अच्छा मोड्स है। जैसे ये हमारा कैमरा देखो अभी आड़ा है, आड़ा मतलब ऐसा लगा है, और हमको इस पर गिम्बल के ऊपर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इसको खड़ा कैसे करना है। तो ये यहाँ हमारे DJI Ronin HC में फ्लैश लाइट मोड दिया हुआ है, तो ये जो मोड का बटन है देखो इसको दो बार दबाया हमने तो ये खड़ा हो गया हमारा कैमरा, दिख रहा है आपको। और इसको दो बार दबाएंगे तो वापिस से सही हो गया हमारा कैमरा। तो हमारा सेकेंड मोड आता है M2, ये देखो सेकेंड लाइट जलेंगी अब। ये ग्राउंड लेवल शॉट के लिए इसको M2 में पेन फॉलो चालू करके रखा है। और नए भाई अक्सर गलतियां करते हैं ग्राउंड लेवल शॉट लेते समय, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जब भी आप लोग इस गिम्बल से शॉट लेते हो तो इस गिम्बल का कैसा यूज करना चाहिए। पेन एंड टिल्ड पर है फर्स्ट मोड पे, तो अभी हमने सेकेंड पे क्या करके रखा है, सिर्फ पेन फॉलो मोड पे करके रखा है। तो उसको पहले सेकेंड पे ले जाएंगे ताकि हमारा गिम्बल सिर्फ इधर उधर मूव हो। नए भाई क्या करते हैं, जब भी उनको ग्राउंड लेवल का शॉट लेना रहता है तो वो डायरेक्ट इसको इस टाइप से उल्टा कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब भी हम इसको ऐसे चलाते हैं या ग्राउंड लेवल का कोई भी शॉट लेते हैं, तो ये देखो ये मोटर सामने आ रही है हमारी, बीच में कैमरे को ब्लॉक कर रही है, और ये गलत तरीका है। और इसके कारण हम लोग ज़्यादा इसको ऐसा नीचे नहीं ले जा पाते। देखो इन मोटरों का भी जो लॉक पॉइंट है यहाँ पर आके अटक जाता है ये, इसके कारण हमारी मोटर भी जल सकती है। तो आप लोगों को इस टाइप से नहीं करना है, ये मोटर वाला भाग पीछे रहेगा। और मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि टॉगल बटन को मैंने दबा के रखा है, और मैं इसको आपने याद रखना कि कभी भी हमको ये जो हमारा जॉयस्टिक वाला भाग है इसको कैमरे साइड से ऊपर लेके जाना है। ये देखो ये हो गया हमारा, तो इससे क्या हुआ कि हमारी ये मोटर सामने नहीं जाके पीछे आई है, तो हम बढ़िया अच्छे से ले सकते हैं शॉट। और ये जॉयस्टिक भी हमको इधर सामने चाहिए, तो ये बटन को दो बार दबाओ तो ये देखो सामने आ गया। और इसको हम बढ़िया इस टाइप से ऐसा पकड़ के शॉट ले सकते हैं। ये हमारी जॉयस्टिक भी हाथ में आ गई है और ये बटन भी हमारे हाथ में आ गई है। रीसेंटर करने के लिए इसको दो बार प्रेस कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम ग्राउंड लेवल से कोई शॉट ले रहे हैं हमको, और थोड़ा सा भी नीचे ऊपर करना रहा तो ये जॉयस्टिक हमारे हाथ में रहेंगी। और इसको वापस से ऊपर करने के लिए ये बटन दबा के रखना है, और कैमरे के साइड से
वापस सही हो जाएगा। और हमारे पास जो स्टिक इस साइड नहीं आई है तो क्या करना है, इसको वापस से दो बार दबा दो और घुमा लो इसको, ये हो गया हमारा सही। तो ये है सही तरीका ग्राउंड लेवल का शॉट लेने के लिए। तो अब आता है हमारा M3 मोड। तो इस मोड में देखो बाय डिफॉल्ट 360 रोल सेट है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, FPV सेट कर देना है। इसको हमने FPV पे सेट कर दिया। तो वही अब आप लोगों को लग रहा होगा 3D रोल तो ये तीनों में हमने सेट ही नहीं करा, ये तीनों मोड में अलग अलग हमने पेन एंड टिल्ट कर दिया, एक में पेन फॉलो कर दिया, एक में FPV कर दिया और 360 को तो सेट ही नहीं करा। तो 360 भाई हमारे गिम्बल की जो बटन है ना, मोड बटन, उसी के ऊपर दिया हुआ, इसलिए मैंने लास्ट वाले M3 मोड में FPV मोड रखा, क्योंकि हमको बार बार मोबाइल से कनेक्ट करके उसको FPV मोड पे ना डालना पड़े और हम जल्दी से FPV मोड को यूज़ कर पाए। तो आप लोगों को दिखाता हूँ 360 मोड कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, और हम में से कई भाई को पता नहीं रहता 360 रोल का। तो 360 जो शूट करना होता है हमको, इसको क्या करना है, ये जो मोड बटन है इसको तीन बार दबाना है। पहले दो बार दबाया था तो फ्लैश लाइट मोड में क्या होता था, आड़े कैमरे को हम लोग खड़ा कर देते थे रील्स बनाने के लिए, और तीन बार प्रेस करेंगे तो 360 मोड चालू हो जाएगा। इसमें देखो 1, 2, 3, और अब देखो ये पहले ही मोड चालू है अभी कस्टम पर, मैंने इसको मोड बटन को तीन बार प्रेस करा तो ऊपर चला गया कैमरा, और ये देखो रोल भी करने लगा। हमको जब भी कोई 360 रोल शॉट लेना है तो इसको तीन बार प्रेस कर दो ये मोड बटन को, और हमारा कैमरा ऊपर हो जाएगा और ये जॉयस्टिक भी काम कर रही है, और इसको डिसेबल करने के लिए वापस इसको तीन बार प्रेस करना है 1, 2, 3। देखा आपने कितना आसान है। तो हम लोगों को कोई भी एक ही डायरेक्शन में कोई एक शॉट अच्छा सा लेना होता है और वो हाथ से ज़्यादा हिलता है, और अगर आप लोग गिम्बल से ले रहे हो और वो भी हमको एक ही डायरेक्शन में चलना है बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, तो भाई ये मोड बहुत फ़ायदेमंद है। इसको दबा के रखना है बस सामने वाले टिगर को, तो देखो ये लाइट इस टाइप से ब्लिंक होने लगती है और कैमरा स्थिर हो जाता है वहीं पर। और अब देखो हमारा गिम्बल तो मूव हो रहा है इधर उधर, पर स्थिर है ना हमारा ये कैमरा। तो हम लोग जैसे इस ट्रिगर बटन को छोड़ते हैं तो ये देखो वापस से सही हो जाता है हमारा गिम्बल। तो हम में से कई लोगों को पता भी होगा इस मोड के बारे में और कई लोगों को नहीं पता होगा, तो चलो मैं बता ही देता हूँ इसको भी। तो ये जो टॉगल बटन है इसको दो बार दबाते हैं तो हमारा वापस से गिम्बल सही हो जाता है, और तीन बार दबाएंगे तो देखो सेल्फी मोड हमारी इधर आ जाता है कैमरा, और वापस से दो बार दबाएंगे तो सामने चला जाता है कैमरा। तो ये मोड बहुत फ़ायदेमंद है भाई, जो भी ब्लॉगर है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है कि इसको तीन बार दबाया तो कैमरा हमारे साइड आ जाता है और बढ़िया ब्लॉगिंग चालू कर दो हम लोग, और वापस से हमको सामने शूट करना हो तो इसको दो बार दबाओ तो सामने चला जाता है।